हाय साथियों, आप सभी का स्वागत है चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं भारत के बौद्ध धर्म के धरोहर की कहानियाँ, जिसमें हम भारत के प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानकारी देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं प्राचीन महारगढ़ जनपद का ऐतिहासिक धरोहर। इस भूमि को एक महत्वपूर्ण भूमि भी मानी जाती है, जिसे हम कहते हैं कि ये प्राचीन काल से एक ऐतिहासिक धरोहर रही है, लेकिन यहाँ से ही हमें एक महत्वपूर्ण संघर्ष की बात देखने के लिए मिलती है। महाड़ बंदरगाह को, इस महाड़ शहर को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक महत्वपूर्ण इतिहास इस भूमि से जुड़ा है। सामाजिक क्रांति का यह आंदोलन इसी भूमि से उभरा है और इसी भूमि से ही दुनिया भर में फैला है। 1927 में पानी के सत्याग्रह के लिए महाराष्ट्र ही नहीं तो दुनिया भर के इतिहास में यह सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसी शहर में बाबा साहब ने विषमता के बीज बोने वाले किताब को जलाया है। इसलिए ये भूमि बाबा साहब के चरणों से पावन हुई ऐसी महत्वपूर्ण भूमि है, और यही बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसी भूमि में ऐतिहासिक धरोहर को भी जानने का प्रयास किया है। तो जिन धरोहर पर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के कदम लगे हैं, आज उस लेनी के बारे में, इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथियों साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना भी मत भूलिए। साथियों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर महारगढ़ जनपद में महाड़ लेनी में, जिसका नाम गांधार पाले बौद्ध लेनी है, और इसकी आज हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। प्राचीन काल में हम जानने का प्रयास करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि प्राचीन काल में जितनी सारी लेनियां निर्माण की गई है, वो एक व्यापारी मार्ग पर निर्माण की गई है, और प्राचीन काल में व्यापारी बंदरगाह भी रहा करते थे। जैसे सोपारा ये ऐतिहासिक व्यापारी बंदरगाह है, वैसे ही कल्याण, जिसको आज हम कल्याण कहते हैं, ये भी उस समय का व्यापारी बंदरगाह है। लेकिन यही बंदरगाह नहीं है तो कोकण प्रांत में, जिसे प्राचीन काल में अपरांत कहा जाता था, इसी अपरांत में हमें ऐतिहासिक बंदरगाह देखने के लिए मिलते हैं, और उसमें से ही एक महारगढ़ बंदरगाह, इसे महारगढ़ के नाम से जाना जाता है, उसके बाद उसको आज महाड़ नाम से जानते हैं। तो इस महारगढ़ बंदरगाह में ऐतिहासिक बौद्ध धरोहर महाड़ के बस स्थानक से बिल्कुल नजदीक में, और जिस जगह पर पानी के लिए सत्याग्रह किया था, उस चौदार तले से ये लेनी कुछ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये लेनी मुंबई गोवा महामार्ग पर देखने के लिए मिलेगी। आप इस लेनी को पाले लेनी या गांधार पाले लेनी भी कहते हैं, लेकिन ये लेनी महाड़ बौद्ध लेनी से जानी जाती है। ये एक व्यापारी बंदर है, और इस बंदरगाह में हमें जल वाहतूक के लिए अच्छी जगह भी इसे मानी जाती है। पी टॉलमी के अनुसार ये ले ईस्वी सन 150 में इसको बालीपट्टन कहा जाता था। तो पेरिप्लस नाम का जो किताब है, जो ग्रंथ है, इसमें ईस्वी सन 247 में इसको पालेपट्टमाई के नाम से जाना जाता था। इस लेनी का जिक्र हमें अनंत देव के ताम्रपट में, इस लेनी को, जो अनंत देव का ताम्रपट हमें 1094 यानी कि 11वीं शताब्दी में मिलता है, वो ताम्रपट में इसे पालीपट्टन कहा गया है। साथियों, पाले लेनी का बाद में जिक्र आया है 1774 में, जो 1774 में जो फोबस थे, इन्होंने इसके बारे में लिखा है, और वो ये कहते हैं कि चढ़ने के लिए सबसे बहुत कठिन जगह है। ये जगह एलिफेंटा और साष्टी सही से विहार और चैत्यग्रह यहाँ पर बनाए गई है। ये लेनी चौल और राजपुरी खाड़ी के बंदरगाह से महार
वरंद घाट और ये 13 प्राचीन महामार्ग पर है। ये बहुमूल्य ऐसे ऐतिहासिक 2830 रेणियों का समूह है और इसके बारे में वो लिखते हैं कि ये दूर से हमें 3 मंजिली इमारत जैसे दिखते हैं। गांधार पाले गांव से नजदीक की पहाड़ों पर बनाई गई है। नीचे से ऊपर तक ये 50 से 60 मीटर के ऊंचाई पर है। इस लेनी में 28 लेनियां हैं, इनमें 3 चैत्यगृह और 19 विहार हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे कुछ फलक भी लगवाए हैं और यहाँ पर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और समता सैनिक दल के माध्यम से यहाँ पर लेनियों के इंफॉर्मेशन का बोर्ड भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये लेनी पूर्वाभिमुख है, यानी कि पूरब की दिशा से इसका मुख है। सुबह जब उठने के समय सुबह सुबह सूरज की किरणें इस लेनी पर पड़ते हैं तो अनोखा सौंदर्य हमें देखने के लिए मिलता है। इस लेनी के निर्माण का कालावधि जो सातवाहन काल का है और इस लेनी में जिन्होंने दान दिया है जिनका नाम आता है कान्हो, जिसे महाभोज भी कहा जाता है, और ये इस समय महाड़ के बंदरगाह के अधिपति है, यानी जिसे अधिकारी है, जो ये कहते हैं कि ये अधिकारी सातवाहन राजवंश का अधिकारी है। शिलालेखों से ये अर्थ होता है कि कुड़ा की लेनी से इसे महाभोज कहा गया है तो महाड़ में इसे कान्हभोज कहा है, लेकिन ये कान्हभोज का जिक्र हमें महाभोज के ही नाम से देख सकते हैं, क्योंकि बंदरगाह में महाभोज नाम का अधिकारी होता था। सातवाहन राजो का ये इतिहास हम ध्यान से देखेंगे तो सातवाहन मूलतः ये कोंकण जो है ये प्राचीन नागों का भी शहर है ऐसा कहा जाता है। प्राचीन बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार करने के लिए प्राचीन काल में इन राजाओं ने, इन व्यापारियों ने बहुत पैमाने पर धर्मदान दिया है और आम पब्लिक ने, जिसे आम लोगों ने यहाँ पर भर भर के धर्मदान दिया हुआ है। महाड़ प्राचीन शहर मूलतः इस महाड़ में इतिहास में प्राचीन नोन हमें ईसा पूर्व 225 में देखने के लिए मिलती है, जो कोकण किनारों पर सबसे प्राचीन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ईस्वी सन 3 शताब्दी में महाभोज विष्णुपालित ये अधिकारी इस जगह का अधिकारी था, इसका जिक्र हमें लेनियों के शिलालेख में मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों लेनियों की शुरुआत करते, एक से एक लेनियों के बारे में जानते हैं। लेनी क्रमांक 1 ये सबसे बड़ा व्यापारी बंदर, सबसे बड़ा चैत्य गृह है। ये लेनी में कुल मिलाकर 7 कमानी है जो आधी अधूरी है क्योंकि ये आखिरी में बनाई हुई लेनी है। ये लेनी 6 खम्बी ओसरी और ओसरी के पीछे भव्य दालन है जो 6 खम्बों पर इसको बनाए हुए है, उसमें से एक ही खम्बा पूरी तरीके से बनाया हुआ है। इस लेनी में बड़ा विहार हमें देखने के लिए मिलता है और अंदर की तौर पर हमें एक प्राचीन स्तूपों के लिए बनाया हुआ एक चैत्य गृह देखने के लिए मिलता है। लेकिन साथियों चैत्य गृह के ईस्वी सन 14 शताब्दी में हमें इस चैत्य गृह के स्तूपों की जगह पर यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति को उकेरा है या मूर्ति का निर्माण किया हुआ देखने के लिए मिलेगा। ये मूर्ति, भगवान बुद्ध की मूर्ति प्रलंब पाद अवस्था में है, ये मूर्ति सिंहासन में आरूढ़ है और भगवान बुद्ध के कमल पर चरणों के बाजू में धम्म चक्र और हरणों की प्रतिमाएं अंकित है। हमें दोनों बाहें में हमें पद्मपानी और वज्रपानी की शिल्पों का अलंकरण दिखता है। इसके साथ ऊपरी तौर पर विद्याधरों का हमें जिक्र देखने के लिए मिलता है। इन्होंने जिस तरीके से भगवान बुद्ध के शीर्ष के ऊपर एक मुकुट को ऊपर से पकड़ा हुआ देखने के लिए मिलता है और यहाँ के बाकी के शिल्प थोड़े से आधे अधूरे या भग्नावस्था में देखने के लिए मिलते हैं। लेने के सामने पानियों की टंकी है और ये लेनी महाड़ में से ये सबसे लास्ट की लेनी है जिससे हम ये देख सकते हैं कि इसका निर्माण किस तरीके से किया होगा। लेनी क्रमांक 2 भी एक आधी अधूरी लेनी है, लेकिन इस लेनी में हमें अच्छे तरीके से भिक्खु निवास भी देखने के लिए मिलते हैं। लेनी क्रमांक 3 जो ये लेनी दीर्घिका और भिक्खु निवास रहने वाले एक साधारण लेनी है। इस लेनी को दीर्घिका को आपको स्तंभ की आकृतियां भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि हमें जुन्नर और कानेरी में देखने के लिए मिलते हैं। लेनी क्रमांक 4 ये एक सभागृह है।
लेनी में भिक्खु निवास है, दीर्घी का है, और इस लेनी में एक शिलालेख भी अंकित किया हुआ है। इस शिलालेखों का बहुतांश भाग नष्ट हो चुका है, लेकिन कुछ ही भाग हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन साथियों, ये शिलालेख एक महत्वपूर्ण खोज है, जो कि इसका प्रमाण किसी भी शिलालेख इस लेनी के लेनी में जो शिलालेख है, इसका प्रमाण हमें और किसी भी अभ्यासकों के किताबों में नहीं पाया जाता है। तो एक नया संशोधन है जिसको आप ध्यान से देख सकते हैं। लेनी क्रमांक 5, 6, 7 ये लेनिया एक साधारण लेनिया है। लेनी क्रमांक 8 एक हम ये कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण लेनी है, जिसमें हमें खास तौर पर इस लेनी में हम चैत्य ग्रह के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको चैत्य विहार कहते हैं। चैत्य विहार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें लेनी के साथ साथ साथियों 4-8 भिक्खु निवास और यहाँ पर एक चैत्य गृह और विहार की रचना और 2 पानियों की टंकियों का जिक्र मिलता है। तो इस लेनी में हमें एक शिलालेख पाया जाता है। इस शिलालेख में लिखा हुआ है, सिधं कुमारस कान भूयस वेणुपालितस लेन चेतिय घर ओबर काच अठ विकमं नियुतं लेनस उभतो पशेसु ओडियो बे लेनस अलिगन के पतोच दतो एतस कुमारस देयतम। इसमें ये साफ साफ लिखा है कि महाबोज विष्णुपाली इन्होंने लेनी चैत्य ग्रह और 8 ओवरिका का मतलब होता है भिक्खु निवास का दान दिया हुआ है, और लेनियों के दोनों बाजुओं में 2 पानी की टंकी और लेनी के लिए रास्ता इस दिया हुआ जिक्र हमें इस लेनी के शिलालेखों में पाया जाता है। तो ये महाबोज विष्णुपालित इस नाम का अधिकारी हमें इस लेनी में देखने के लिए मिलता है। उसके साथ दोस्तों लेनी क्रमांक 9, लेनी क्रमांक 10, 11 और 12 ये साधारण लेनिया है। उसके साथ इसमें महत्वपूर्ण जो लेनी है, जिसे हम ये कहते हैं कि इस लेनियों में खास तौर पर 27 क्रमांक की जो लेनी है, इस लेनियों में हमें एक शिलालेख पाया जाता है और इसको चैत्यकुटी कहा गया है। इन शिलालेखों में इसे चैत्यकुटी कहा गया है। इस शिलालेखों में जो व्यापारी संरक्षित है, इसका लड़का वेद श्री, इसने इस चैत्य कोठी का निर्माण किया है। तो इसीलिए और इस चैत्य कोठी में रहने वाले भिक्खुओं के लिए सामने जो खेती दिखती है, इस खेती को इस चैत्य कोठी में रहने वाले भिक्खुओं को धम्मदान दिया हुआ है, इसके बारे में इस लेनी में हमें जिक्र आता है। तो साथियों, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और लेनी क्रमांक 28 ये आम लेनी है, साधारण लेनी है। तो ये सारी बातें हमें इस लेनी में देखने के लिए मिलते हैं। साथियों, इस लेनी के साथ साथ हमें बाजू में ही एक साहिल नगर नाम का एक बस्ती है। इस बस्ती के ऊपरी में भी हमें एक छोटी सी लेनी जो आधी अधूरी देखने के लिए मिलती है। तो इसका भी निर्माण शायद पहले किया होगा, बाद में गांधार पाले बुद्ध लेनी का निर्माण हुआ है। उसके बाद बगल में ही हमें कोल लेनी, बगल में ही हमें मोहपरे नाम की लेनी देखने के लिए मिलती है, जिसमें शिलालेख पाया हुआ है। जिस शिलालेखों में महाड़ ये जनपद है, इसका हमें जिक्र पाया है। इसके साथ साथ साथियों, कोल नाम का एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में कोल नाम की बौद्ध लेनिया भी हमें देखने के लिए मिलती है, जो 2 समूह में विभाजित है, जिसमें भी आपको बहुत सारे शिलालेख मिलते हैं। तो इसमें भी शिलालेखों में जो दान दिया हुआ है, इसके बारे में जानकारी हमें कोल लेनी में भी देखने के लिए मिलती है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने महाड़ की लेनी के बारे में जानकारी ली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, इसका अभिप्राय जरूर दीजिए। ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना भी ना भूलिए साथियों। इसके साथ साथ साथियों, आपको ये चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना है तो आप चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि लेनियों के बारे में वीडियो बनाने के लिए आप हमारा सहयोग दे सकते हैं। ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए या नए नए लेनियों के बारे में, हमारे ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानकारी देने के लिए आप हमारा सहयोग दे सकते हैं साथियों। आज के इस वीडियो में हमने जो गांधार पाले बौद्ध लेनी के बारे में आपको बताया है,
जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिए, क्योंकि एक ऐतिहासिक जनपद के बारे में इंफॉर्मेशन है। इस जनपद की ऐतिहासिक धरोहर में बौद्ध धम्म के कितने सारे अवशेष देखने के लिए मिलते हैं साथियों, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिए। और साथियों, आज का ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आने वाले अगले वीडियो में ऐसे एक ऐतिहासिक धरोहर को उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।